नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, मुसलमानों को लेकर राजनीति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी होती है। ताजा मामले में अमेरिका ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि चीन में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर दुनिया चुप क्यों है। लेकिन सवाल है कि आखिर मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। दरअसल चीन में 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बंदी बनाया गया है, जिन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया है, लेकिन इनकी महिलाएं इनके घरों पर ही हैं, जिनके साथ चीनी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चीन के मुसलमानों के साथ किए जा रहे बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा है कि दुनिया इस पर चुप क्यों है। उन्होंने मुस्लिम देशों की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। अब दोस्तों को बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही कुछ दस्तावेज लीक हुए थे। इनसे पता चला था कि उइगर मुसलमानों को किस तरीके से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है चीन में। लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ही आदेश जारी करके कहा था कि चरमपंथी और अलगाववादियों पर कोई रहम ना किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन महिलाओं के साथ चीन क्या करता है। दरअसल चीन अपने उत्तर पश्चिमी इलाकों में रहने वाले उइगर मुसलमानों के खिलाफ दमन के नए नए तरीके आजमाता जा रहा है। उसका नया तरीका न केवल होश उड़ाने वाला है बल्कि बेहद भद्दा और गंदा भी है। इसे घोर आपत्तिजनक और अनैतिक भी कहा जा रहा है। चीन उइगर मुस्लिम महिलाओं के लिए जोड़ी बनाओ और परिवार बनो प्रोग्राम चला रहा है। इसके तहत वो चीनी पुरुष अधिकारियों को उनके घरों पर भेजता है, जिसमें महिलाओं को एक ही बिस्तर पर साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि क्या है जोड़ी बनाओ और परिवार बनो कार्यक्रम। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके तहत चीनी पुरुष उइगर मुस्लिम महिलाओं के साथ सोते हैं ताकि पैदा होने वाले बच्चों में चीनी जीन्स हों। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। दुनिया भर में कई उइगर मुसलमान इस प्रोग्राम का जबरदस्त विरोध भी कर रहे हैं, इसे अपमान बता रहे हैं, लेकिन चीन इसे लगातार सही ठहरा रहा है। जोड़ी बनाओ और परिवार बनो प्रोग्राम जिनजियान के उइगर इलाकों में करीब पिछले 3 सालों से चलाया जा रहा है। चीन इसे कैसे कर रहा है वो भी जान लीजिए। जोड़ी बनाओ और परिवार बनो कार्यक्रम चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए पार्टी कैडर के 1 लाख अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को इस मिशन में रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार कहा जाता है। बताया जाता है कि जो अकेली उइगर मुस्लिम महिलाओं के घरों में पूरे अधिकार से जाते हैं। एक रिलेटिव यानी कि एक चीनी अधिकारी को कई उइगर मुस्लिमों के घर अलॉट किए जाते हैं। ये खासकर वो घर होते हैं जिनके पुरुष सदस्य चीन के कैंपों में भेजे जा चुके हैं। ये कैंप जेल की तरह ही होते हैं। आमतौर पर उइगर इलाकों के कस्बों में ज्यादातर पुरुष इन कैंपों में भेजे जा चुके हैं। इन इलाकों के घरों में अब या तो महिलाएं बची हैं या फिर बच्चे। आंकड़ों के मुताबिक करीब 10 लाख उइगर मुस्लिम आदमी कैंपों में रहते हैं। चीन मानता है कि उइगर जिस तरह धर्म के प्रति कट्टर और अलग सियासी सोच रखते हैं, उसके चलते वो देश के लिए खतरनाक हैं। इसे खत्म किया जाना जरूरी है। इसी परिपेक्ष में चीन अतीत में भी कई सारे कदम उठाता रहा है, जिसमें मस्जिद तोड़ने से लेकर उर्दू या उइगर भाषा पर रोक और उइगर बच्चों को अलग कर देने जैसी कई सारी बातें शामिल रही हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि इसे लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक चीनी पुरुष अधिकारी यानी कि रिलेटिव जिस भी उइगर महिला मुस्लिम के घर में भेजा जाता है, वहां रहने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता। उसे इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वो उस घर में नहीं रहेगा। ये पुरुष कम से कम 6 दिन महिलाओं के साथ रहते हैं, सुबह से लेकर शाम उनकी हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके घर में कहीं भी आ जा सकते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इन अकेली रह रही उइगर महिलाओं को भावनात्मक तौर पर करीब लाकर चीन की मुख्य धारा में लाया जाए। कुल मिलाकर महिलाओं को उन्हें अपना रिश्तेदार समझना होता है, वैसा ही व्यवहार करना होता है। सबसे हैरानी की बात यह भी है कि रात में जब सोने की बारी आती है तो उइगर मुस्लिम महिला ना तो इन्हें अलग कमरे में सोने के लिए कह सकती है और अलग कोई बिस्तर भी नहीं दे सकती, बल्कि इन महिलाओं को रिलेटिव यानी कि इस चीनी अधिकारी को अपने साथ ही सुलाना होता है, उसी बिस्तर पर जिस पर वो खुद सोती है। अगर कोई घर छोटा है या किसी घर में सोने के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं है तो भी सभी के लिए एक ही जगह जमीन पर बिस्तर बिछाया जाता है। वैसे तो हिदायत ये है कि एक बिस्तर पर केवल 2 लोग ही साथ सोएंगे, जिसमें एक चीनी पुरुष और एक उइगर महिला होगी, लेकिन ज्यादा ठंड की सूरत में 3 लोग भी सो सकते हैं। 6 दिनों तक रहने के दौरान ये रिश्तेदार बहुत बारीक तरीके से उइगर महिला और उसके विचारों पर नजर रखता है। वो इस दौरान उससे तमाम तरह के सवाल पूछ सकता है, जिसके जवाब महिला को देने ही होंगे।
इस दौरान वो स्टडी सेशन और दूसरी गतिविधियां भी महिला के साथ करते हैं। उन्हें चीनी भाषा सिखाने की भी कोशिश करते हैं। इस मामले में उइगर महिलाएं ना तो कोई विरोध कर सकती हैं, ना ही इस व्यवस्था से अलग जा सकती हैं। उन्हें इसे मानना ही होगा, नहीं तो उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी, जेल भेजा जा सकता है। दोस्तों, आरएफओ की रिपोर्ट कहती है कि इस हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस व्यवस्था को देश के लिए बेहतर बताया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि रिश्तेदार बनकर गए चीनी पुरुष अधिकारी हर परिवार में अच्छे और बेहतर इंसान के रूप में घुलते मिलते हैं। चीन लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि कहीं भी इस प्रोग्राम का विरोध हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया भर में रहने वाले कई उइगर मुस्लिमों ने और उनकी जुड़ी संस्थाओं ने अब तक इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ बुलंद की है। पहचान ना बताने की शर्त पर विरोध करने वाले एक शख्स का कहना है कि हाँ, ये सही है कि चाइनीज पुरुष अधिकारी नियमित रूप से उइगर महिला सदस्यों के साथ एक ही बिस्तर में सोते हैं। हालांकि महिलाएं कोशिश करती हैं कि वो उससे सोते समय पर्याप्त दूरी बनाकर रख सकें। दोस्तों, इसके बाद जब ये चीनी अधिकारी घर छोड़ने लगता है तो रिपोर्ट भी तैयार करता है, जिसमें वो परिवारों के साथ अपने फोटो खिंचवाता है। इसे वो बगैर किसी परमिशन के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकता है। इसमें परिवारों की कोई रजामंदी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ तस्वीरें जानबूझकर ही ऐसी ली जाती हैं जिसमें उइगर महिलाओं की नज़दीकियाँ इन पुरुषों के साथ नजर आएं। ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था का कहना है कि चीनी अधिकारियों का ये काम खुलेआम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बताया जाता है कि चीनी अधिकारी अपने साथ शराब तक लेकर जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात करें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।